एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो एक साधारण रक्त परीक्षण आपके हृदय और गुर्दे के स्वास्थ्य के भविष्य का अनुमान लगा सकता है। खैर, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल सर्कुलेशन में प्रकाशित नया शोध हमें उस वास्तविकता के करीब लाता है। इस अध्ययन में टाइप 2 डायबिटीज और किडनी रोग से पीड़ित 2500 से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया गया। शोधकर्ताओं ने उनके रक्त में 4 विशेष बायोमार्कर की पहचान की जो एक शक्तिशाली रहस्य रखते हैं। ये बायोमार्कर हृदय और गुर्दे की जटिलताओं के प्रबल भविष्यवक्ता साबित हुए, लेकिन यहाँ रोमांचक हिस्सा है, एक संभावित समाधान सामने आया। सबसे अधिक जोखिम वाले लोग, जिन्होंने कैनाग्लिफ्लोजिन नामक दवा ली, जिसे सोडियम ग्लूकोज सह ट्रांसपोर्टर 2 अवरोधक के रूप में जाना जाता है, उनके बायोमार्कर स्तर में गिरावट देखी गई और परिणामस्वरूप उनके हृदय विफलता और अन्य हृदय समस्याओं का जोखिम काफी कम हो गया। जिन लोगों ने कैनाग्लिफ्लोजिन लिया उनमें केवल एक वर्ष के बाद बायोमार्कर स्तर में 3% से 10% की कमी देखी गई, उन लोगों की तुलना में जिन्होंने प्लेसबो लिया और 6% से 29% की वृद्धि देखी। यह सफलता एक गुम हुई पहेली के टुकड़े की तरह फिट बैठती है। डॉक्टर अब जटिलताओं का अधिक सटीक अनुमान लगा सकते हैं और टाइप 2 डायबिटीज और किडनी रोग वाले लोगों के लिए उपचार तैयार कर सकते हैं, लेकिन यात्रा यहीं नहीं रुकती। टाइप 2 डायबिटीज और किडनी रोग कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, इसे पूरी तरह से समझने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। यह व्यक्तिगत देखभाल, शीघ्र हस्तक्षेप और एक स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक कदम है।